स्वागत है आपका मेरे चैनल में नॉलेज अबाउट मर्चेंट नेवी। तो यार मैं अभी लेट हो गया इस वीडियो को डालने में, 2-3 दिन लेट हो गया। संडे का नाम लिया था मैंने, वैसे उससे भी पहले डाल देता मैं वही वीडियो, बट मैं लेट हो गया क्योंकि अपने गांव आया हुआ था मैं। तो एक बार आप देख सकते हैं मैं गांव में ही हूँ अभी फ़िलहाल, तो हाँ ये गाँव में ही था मैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्या था, किस चीज़ पर वीडियो बनानी थी मैंने। तो आज का टॉपिक था ARI दिल्ली। 2-3 दिन से बोल रहा था, अब मैं फाइनली बनाने जा रहा हूँ वीडियो। तो मैं बता देता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, दिल्ली में है ये कॉलेज, और मैंने बात भी की है ARI में, तो वो भी बताऊँगा मैं आपको क्या बात हुई है मेरी ARI में क्या बात हुई है। तो मैं बताने जा रहा हूँ, पहले इसकी फ़ीस DNS के लिए वो है 4,25,000 इसकी फ़ीस है DNS के लिए। और कंपनीज के जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो इसके साइट पे 98% दिए हुए हैं, 98% प्लेसमेंट रिकॉर्ड दे रही है ये कंपनी इस टाइम पे। लास्ट ईयर का 98% था, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें सीट्स कितनी होती है। फैब बैच के लिए इसमें सीट्स होती है 40 सीट्स होती है फैब बैच के लिए, और अगस्त बैच के लिए होती है वो 120 सीट्स होती है। तो फैब बैच के लिए 40 सीट्स होती है तो आप समझ रहे होंगे यहाँ कंपनीज भी कम आती है। फैब बैच के लिए किनी चुनी कंपनी आती है, और जो अगस्त बैच होता है उसके लिए काफ़ी सारी कंपनीज आती है, काफ़ी कुछ आते हैं उसके लिए। वो भी डिसाइड नहीं होता कि कौन सी कंपनी आएगी कौन सी नहीं आएगी। जैसे अभी मैंने परसों फ़ोन किया था, ARI में फ़ोन किया था परसों मैंने, तो AET का बारे में पूछा मैंने, अमेरिकन ईगल टैंकर, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो उन्होंने बताया कि फेब बैच के लिए वो कंपनी नहीं आ रही है इस बार, और अगस्त बैच के लिए आ सकती है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि अगस्त बैच के लिए भी आएगी, बट 90% चांस है अगस्त बैच के लिए आएगी। वो उसकी डिमांड के ऊपर है कि कितने बंदों की उसको डेक कैडेट्स की डिमांड है, तब इसलिए इसी टाइप से आती है कंपनी। और V-Ships का भी उन्होंने मना कर दिया मुझे कि V-Ships भी नहीं आएगी, अगस्त बैच के लिए आएगी। तो ये सब 90% अगस्त बैच के लिए मोस्टली आ जाती है सारी कंपनी जो मैं आपको बताऊँगा। और PDF ये मेरे पास है, कंपनीज़ की लिस्ट है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, उसके साइट पे से ही निकाला है मैंने। तो इसका पूरा PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर देना। बाकी मैंने आपको बता दिया है AET टैंकर्स नहीं आएगी, V-Ships नहीं आएगी, डायनाकॉम्स टैंकर की भी वो 50-50 बोल रहे थे आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, मेल नहीं आया डायनाकॉम टैंकर के वजह टैंकर को अभी तक कोई रिसीव नहीं किया है ARI वालों ने। तो ये 3-4 कंपनी उन्होंने बताई थी। MSC शिपिंग का भी मना कर दिया था उन्होंने इस पे फेब बैच के लिए मना कर दिया था। तो ये 3-4 कंपनी के लिए मना कर दिया था, और ये काफ़ी बड़ा PDF है यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपनीज लिखी हुई है यहाँ पे, डॉक एंड डेल है, EMS है, V-Ships है। तो ये आप काट लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, AET टैंकर काट लेना है फेब बैच के लिए बता रहा हूँ, V-Ships काट लेना, डायनाकॉम्स टैंकर काट लेना, MSC शिपिंग मैनेजमेंट भी काट लेना आप फेब बैच के लिए, यहाँ पर कट कर देना। और जो ये सारी कंपनीज आप जोड़ सकते हैं अगस्त बैच में, और मैं पक्का नहीं बता सकता कि इसकी जो सारी कंपनीज है, जैसे इसमें कम से कम 20-25 कंपनीज है, 20-25 अप्रॉक्सीमेटली इतनी कंपनीज है, मैं ये नहीं बता सकता कि वो सारी की सारी कंपनीज आएगी अगस्त बैच के लिए, क्योंकि अगस्त बैच के लिए भी क्या पता 2-3-4 कंपनी हो जिसको रिक्वायरमेंट ना हो, डेकेड्स की डिमांड ना हो, तो फिर वो क्या पता कैंसिल कर दे अपनी स्पॉन्सरशिप उस अगस्त बैच के लिए। और फेब बैच के लिए तो 40 सीट्स है, तो फिर ऑटोमेटिकली कंपनीज जो है वो कम आएगी। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी दे दूंगा ARI वालों का। और अगर आपको और कोई डाउट बचा हो तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेना, मंडे टू फ्राइडे उन वो ईजिली कॉल पिक कर लेंगे, 10 to 6 PM था शायद, नेट पे तो ये दिया हुआ था, मैंने 2 बजे के आसपास कॉल किया था, उठा लिया था। तो आप पूछ सकते हैं, इसके तो PDF है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए और चेक कीजिए। थैंक यू।